हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य धर में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके सी सेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, उसके चलते आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक ओवरव्यू लेकर के आया हूँ सिलेबस का, जिससे कि आपको पता तो चले कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग को दो वीडियोज़ मिल चुकी हैं मैथ्स की, स्क्वायर ट्रिक्स की, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो दे दी जाए, जिससे कि आपका एक फ़्लो बना रहे मैथ्स की वीडियोस देने से पहले। तो आप ये जान लें कि इंग्लिश एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। बस ये है कि इंग्लिश में रूल्स को ज़्यादा याद करने से ज़्यादा टफ होता है कि उसके एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है हमारे लोग के लिए। तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ इजी बनाते हैं। कोई देखिए, इसके कोई ट्रिक नहीं है इजी बनाने की, सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे ये इजी बन सकता है, वो है मैक्सिमम रीडिंग। आप जितना रीड करेंगे उतना आपकी चीज़ें क्लियर होंगी इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, देखिए हमारा इंग्लिश वीक है। देखो, अगर आपको जॉब चाहिए, पीसीएस अधिकारी बनना है या पीसीएस ऑफिसर बनना है आपको, तो उसके लिए आपको सी सेट तो बीट करना ही पड़ेगा। हालांकि क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन फिर भी बीट तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर बीट करना है तो इंग्लिश पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, है कि नहीं। तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब पढ़ना है तो ठीक से पढ़ा जाए उसको, थोड़ा बहुत ही चाहे रीडिंग करें आप, लेकिन ज़रूर करें, आधा घंटा ही करें, हाफ एन आवर ही करें रीडिंग, लेकिन ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या रोल लगेगा, कैसे लगेगा। चलिए, वो तो मैं खैर बताऊँगा आपको, मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने की यहाँ कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ क्वेश्चन जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उस पे ही आप निर्भर नहीं रहेंगे, आप अपनी भी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बुक का नेम भी बता दूंगा, जिससे कि आप स्टार्ट करें प्रैक्टिस अपनी। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई। आज थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। देखिए, टॉपिक्स टू कवर इन ग्रामर पार्ट, मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके पूरा सिलेबस को। तो हम ग्रामर पार्ट में पहले क्या क्या कवर करेंगे, पहले कवर करेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, कंजंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रामर पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वोकैबुलरी पार्ट में। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ये तो न्यूट्रल है, असल ये न्यूट्रल हम इसलिए इसको कह रहे हैं ना कि ये तो ना ही ग्रामर में आता है और ना ही वोकैबुलरी में आता है, ये सिर्फ एक ही चीज़ में आता है, पता है क्या? रीडिंग। कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसको सॉल्व करने का। ग्रामर पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, और वोकैबुलरी पढ़ के भी, वोकैबुलरी पढ़ के क्या कर सकते हैं आप, एक या दो क्वेश्चन। हाँ, वोकैबुलरी का कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेजर पार्ट हो जाता है, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। अगर दो या तीन नंबर भी आपको उससे मिल जाता है तो वाकई बहुत ही बड़ी बात होती है, वो दो तीन नंबर बहुत होते हैं। क्लोज टेस्ट पूरा वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट है, वोकैबुलरी एंड यूसेज ये भी जानते हैं, या पंचुएशंस एंड स्पेलिंग्स आएगा ही आएगा, इडियम्स फ्रेसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स। देखिए, पैरा जंबल्स मैंने एग्जेप्शन में डाला हुआ है एक तरीके से, समझिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आप सी सेट में पूछा जाता है या नहीं अभी ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैंने कहा अगर पढ़ा ही रहा हूँ तो पूरा कन्फर्म कर देता हूँ आपको, पैरा जंबल्स के साथ भी कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं एक्सेप्शन कुछ नहीं छोड़ूंगा कि ये आएगा या नहीं आएगा, मेरे लिए सब आएगा। इंग्लिश है तो आएगा, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, बस आप मेहनत करिए, ठीक है। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, आज से पूरा टॉपिक समझिए नहीं स्टार्ट करूँगा, सिर्फ एक ओवरव्यू छोटा सा दूंगा। नाउन,
ठीक है, क्या होता है नाउन? बचपन से सुनते आए हैं, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, बस कहाँ तक? यहीं तक सुनते आए, उसके बाद ये नहीं सुना कभी। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग स्टेट कंडीशन फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। अब ये स्टेट वो स्टेट राज्य नहीं है, स्टेट मतलब आपकी अवस्था, गॉट इट? तो वो चीज़ें हैं। अब आप जैसे ये तो डेफिनेशन हो गई, ये देखिए ये बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं है, ना बच्चों वाले अब क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना? तो अब आप उन चीज़ों को भूल जाएं तो क्या याद रखेंगे? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग स्टेट कंडीशन फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? देखिए नाउन कहा जाता है कि, सिंपल भाषा में अगर कहा जाता है कि जो हमारी आसपास चीज़ें हैं, जो विजिबल चीज़ है, जिसको हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, टेंजिबल या विजिबल दोनों, वो नाउन है। आई अग्री, वो तो नाउन है ही, लेकिन जो इनविजिबल चीज़ें हैं वो भी तो नाउन है। आर यू अग्री विद माई पॉइंट और नॉट? इनविजिबल, अब आप देखिए मैं आपको यहाँ नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज, तो नॉलेज क्या है बताएं आप लोग? नॉलेज एक नाउन ही तो है, ज्ञान, नॉलेज नाउन ही तो है, ठीक है? अब देखिए जैसे हो गया, अब एक थोड़ा सा टफ वर्ड ले लेते हैं, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या होता है? घबराहट या डर, तो ये भी क्या है? नाउन ही तो है, इसमें कोई क्रिया थोड़ी ना हो रही है, ठीक है? देखिए एक वर्ड कई तरीकों से यूज़ हो सकता है। हम जैसे किसी नाउन का एक वर्ड ले ले, जैसे अब स्वीट है, स्वीट, चलिए ले लेते हैं आपके कहने पे, स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा भी होता है। आई राइट और नॉट? आई एम राइट और एम आई राइट और रॉन्ग? मीठा और मिठाई होता है या नहीं? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, जब स्वीट को मीठे मतलब कहेंगे कि जैसे कहें क्या ले लेते हैं, मैंगो, मैंगो इज स्वीट, ठीक है? आप इस एग्जांपल को ज़रूर मुझे बताएंगे, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, मैंगो इज स्वीट, ठीक है? अब आप इसमें मुझे ये बताइए कि ये नाउन है या और कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है? मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं बताऊंगा आगे चल के, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि सॉरी मतलब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बताऊंगा ही, मतलब ये नहीं बताऊंगा कि ये यहाँ पर किस तरीके से ये स्वीट यूज़ हुआ है। आप सिर्फ इसे मुझे बताएंगे आप अपने से कि ये नाउन है या क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? तो चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक ब्लैंक पेज रखा है कुछ समझाने के लिए। देखिए आज एक छोटा सा बहुत ही बेसिक और बिलीव मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाउन्स के टाइप्स वाइप्स कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा पता है? ये चीज़ें, और ये क्वेश्चंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। आप 100% इसको लिखित में दे सकता हूँ कि ये किसी ने, जैसे आप एक SSC का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसमें आप जानते हैं 4-5 दिन एग्ज़ाम चलता, एक दिन में मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में जितनी भी शिफ्ट होती है, किसी न किसी शिफ्ट में इस पे बेस क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है? थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक हो जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको क्लियर हो, जो आपके अंदर डर है ना वो डर हटे इंग्लिश को लेकर के, और बातें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मैं आपको बता कुछ रहा हूँ, आप समझ कुछ और रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा, आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा, कुछ प्रोडक्टिव मिल नहीं रहा, सब अनप्रोडक्टिव मिल रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो देखिए
फॉर्म्स ऑफ नाउन। देखिए एक्सेस, पहले हम सिंगुलर बता देते हैं, इनकी मीनिंग आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको प्लूरल बताऊंगा कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेस, आधार, ठीक है। क्राइटेरिया, जानते ही होंगे आप, क्राइटेरिया का मतलब ये समझ लीजिए कि क्या क्राइटेरिया है, क्या बेसिस आप समझ लीजिए, एक तरीके का बेसिस, समझ गए होंगे आप लोग। फॉर्मूला जानते ही हैं। एल्यूमिनस, हाँ ये वर्ड एल्यूमिनस, एल्यूमिनस इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे जो आपके कॉलेज वॉलेज में जो फ्रेंड्स रहे होंगे ना, उन्हें बोला जाता है, जो भी बैचमेट होंगे उन्हें बोलते हैं एल्यूमिनस, राइट। जब आप पास आउट हो जाते हैं तो, पास आउट के पहले नहीं, पास आउट जब हो जाएंगे आप तो आपके जो फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स रहेंगे वो एल्यूमिनस कहलाएंगे, राइट। डेटम, ये डेटम पता है क्या है, वही है ये डेटा, बस डेटम सिंगुलर फॉर्म होती है, डेटा प्लूरल फॉर्म होती है। मीडियम जानते ही होंगे, फिनोमिना पता ही होगा, थीसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सिंगुलर हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे, लेकिन इतने फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्सेस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्सेस, ठीक है। क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया। फार्मूला का प्लूरल फॉर्म होता है फॉर्मूले, ई लग जाता है, ध्यान रखिएगा ये ई। एल्यूमिनस का प्लूरल फॉर्म होता है एल्यूमिनाई। डेटम का प्लूरल फॉर्म होता है डेटा। मीडियम का होता है मीडिया। फिनोमेनन, फिनोमेना, थेसिस, थेसिस। देखिए सिर्फ एक स्पेलिंग का ही डिफरेंस है इसमें, टी एच ई एस आई एस, टी एच ई एस ई एस, राइट। तो ध्यान रखेंगे आप इन चीज़ों को। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें। देखिए प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड फॉर द डेटम डेटा ऑफ ऑल द वायरस अफेक्टेड पीपल। देखिए अब इसमें आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से देखेंगे कि क्या होगा इसमें आंसर, जो आपने पढ़ा है आप उससे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर आस्क फॉर द डेटम और डेटा ऑफ ऑल द वायरस अफेक्टेड पीपल। ऑल, ऑल मतलब सभी, और सभी का मतलब प्लूरल हो गया कि नहीं, प्लूरल, तो प्लूरल हो गया तो क्या होगा, डेटा। देखिए पीछे यहाँ क्या लिखा था, डेटम का प्लूरल फॉर्म डेटा, राइट। डेटम का क्या है प्लूरल फॉर्म, डेटा, तो बस वही हमने यहाँ भी कर दिया, डेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, और ऑल यहाँ पे ना होता तो पीपल भी एक प्लूरल ही नाउन है, ठीक है। और देखिए वेयर इज द एक्सिस या एक्सेस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्या होगा, आप इसे होमवर्क में रखेंगे, मैं इसे नहीं बताऊँगा, कुछ आपको होमवर्क भी दूँ ऐसे ही नहीं, सब कुछ बता दूंगा, इसका मैं एग्जांपल आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आई मेट माय ऑल कॉलेज एलमनस या एलमनाई इन द 25th एनिवर्सरी ऑफ माय कॉलेज। देखिए ऑल मतलब प्लूरल, तो क्या होगा एलमनाई, देख लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा है ना मैंने, एलमनस एलमनाई, ठीक। तो इसकी हिंदी क्या होगी, मैं अपने सभी पुराने एलुमनाई, मतलब जितने भी कॉलिग्स थे उनसे अपने कॉलेज की 25वीं वर्षगांठ पे मिला, राइट। अब देखिए ये थोड़ा सा कलर में मैं नहीं कर पाया, भूल गया, ये देखिए, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ थेसिस और थेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, आ लगा है ना, लगा है ना, तो आ के बाद क्या होगा, आ का मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो थीसिस ले लो, बस ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। थीसिस से क्या होगा, थीसिस का प्लूरल फॉर्म होगा थीसिस, टी एच ई एस ई एस, बस कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पिन करिए, ज़रूर आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल विद एस, ये देखिए
इसका मतलब क्या हुआ, नाउन्स मतलब नाउन से मतलब नाउन, वो नाउन जो कि प्लूरल के प्लूरल फॉर्म में यूज होती है हमेशा, लेकिन ये एस वाली हैं, ठीक है, जिस जिनके बाद में एस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एस वाली है और ये विदाउट एस वाली है, प्लूरल ये भी हैं, प्लूरल यू सॉरी ये सिंगुलर है, नहीं ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल अलग से बनता है, मैं उसको बताऊंगा आपको, वो दूसरी चीज़ है। ये कुछ होती हैं जिनमें एस नहीं लगता लेकिन वो फिर भी वो क्या कहते हैं प्लूरल होती ही हैं, जैसे कुछ तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया, आपने देखा ही है, उन्हीं का ये है, जैसे क्राइटेरिया फॉर्मूले एलुमनाई डेटा मीडिया ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पीछे देखिए, ये पूरा जो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो जिनके बाद एस नहीं लगता है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा ही रहती हैं, क्राइटेरिया फॉर्मूले एलुमनाई डाटा मीडिया। अब हम लोग देखिए क्या हमेशा बोलते हैं ना, हमारे मोबाइल में बहुत सारा डाटा है, तो डाटा प्लूरल ही हुआ ना, बहुत सारा डाटा है। अब एक डाटा थोड़ी ना होगा, अगर एक डाटा बोलेंगे तो डेटम होगा, वो डाटा फिर नहीं कहा जाएगा उसे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल विद एस। देखिए पहला देखिए एरियर्स, एरियर्स आपने सुना होगा, जैसे किसी चीज़ का भत्ता एक तरीके से समझ लीजिए, आपने सुना होगा रेलवे वालों को ये बहुत ज़्यादा मिलता है एरियर्स, ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है और एस ही लगता है इसके लास्ट में। मीन्स रिचेज का मतलब संपत्ति हो गया, संपत्ति समझ लीजिए हिंदी में एकदम आपकी, हाँ संपत्ति, ठीक है। अमेंस हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, इनिंग्स, शैम्बल्स का मतलब कि जैसे अर्थक्वेक आया था आपको याद होगा 2016 या 17 में आया था राइट, नेपाल में जिसने बहुत ही ज़्यादा शैम्बल्स कर दिया था, दैट अर्थक्वेक शैम्बल्स द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल राइट, दैट अर्थक्वेक शैम्बल्स द प्रॉपर्टी ऑफ नेपाल, ये भी कह सकते हैं, ठीक। फायरवर्क्स मतलब पटाखे आपके। न्यूज़ ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये अक्सर मुझे देखने को मिल जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, न्यूज़ ये प्लूरल ही होता है, एस इसमें लगता है। देखिए कभी अगर देखिए वर्ड्स की कई तरीके से मीनिंग हो सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, एक जैसे कोई भी एक नाउन अगर इसमें से अभी एस हटा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, न्यू नया, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने इनको अलग अलग सब कुछ अलग अलग क्लियरली मेंशन कर दिया आपके लिए कि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। और ये समोन्स आपने सुना ही होगा, वो जो गांवों में कहते हैं नहीं सम्मन आया, अपनी देसी भाषा में कहते हैं सम्मन आया, वो सम्मन यहीं से निकला है, वो सम्मन तो समोन्स होता है, ये इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन है यूज्ड एज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर, इसका क्या मतलब हुआ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल को अच्छा चलिए अनकाउंटेबल नाउन को छोड़िए, पहले अनकाउंटेबल का मतलब बताइए। अनकाउंटेबल का मीनिंग जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि लगेज, बैगेज, एविडेंस, हेयर, बाल को आप गिन सकते हैं, ब्रेड गिन सकते हैं, पोएट्री को गिन सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं। देखिए इक्विपमेंट, नॉलेज, स्टेशनरी, नॉलेज का एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, नाउन होगा तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी आ गया। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, नॉलेज, स्टेशनरी, हेयर और लगेज और बैगेज, ये इनको मैंने बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर STATIONERY होता है, ठीक है। ये स्टेशनरी कौन से स्टेशनरी है, स्टेशनरी का दो मीनिंग होते हैं, एक ये स्टेशनरी का मतलब आपके पेन कॉपी ये सब वगैरह है ना, और एक स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, क्या होता है स्थिर मतलब फिक्स्ड राइट।
मैंने बताया ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये मत कहिएगा कभी भी किसी से कि ये इसका मीनिंग फिक्स है। अगर स्टेशनरी है तो आप उसे हमेशा दो ही मीनिंग बताएंगे, एक फिक्स और एक जो आपका पेन कॉपी पेपर ये सब कुछ। और कभी भी अगर आप कुछ भी किसी कोई भी मीनिंग अगर बताएंगे तो आप उसे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही बताएंगे। और उसका पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बताने का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ अगर आप बताएंगे ना तो आपको याद होगा। और दूसरी चीज़ क्लोज टेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट सब कहते हैं कि मीनिंग याद होनी चाहिए, मीनिंग याद होनी चाहिए। आई अग्री, मीनिंग याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके ग्रामर के कंसेप्ट, ग्रामर के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप ये मान के चलिए 70 to 80% क्लोज टेस्ट आप ग्रामर के बेसिस पे कर सकते हैं। मैं कराऊंगा आपको, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे भी बहुत सारी वर्डों के, अब देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, कितनों की मीनिंग याद करें तो क्या, लेकिन रूल तो फिक्स है ना हमारे पास, रूल बढ़ते घटते तो है नहीं, जो है सो है, उन पे ही बेस। और एग्जामिनर को भी पता है भाई, एग्जामिनर को भी पता है कि सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बच्चे कहाँ से पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, मतलब क्यों पढ़े नहीं, कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, इससे उससे मतलब नहीं है। उसे ये मतलब है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, ये चीज़ आपको आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो इनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएँ। देखिए, नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल विद एस। अब देखिए पहला एग्जांपल, इंडिया वॉन द मैच बाय 2 इनिंग और इनिंग्स। इनिंग्स, इनिंग नहीं होता, हाँ इनिंग को जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, इनिंग्स होता है, मतलब नाउन फॉर्म में, नाउन फॉर्म में, नाउन फॉर्म में इनिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। अब सेकंड वर्ड देखिए, कलेक्ट ऑल योर बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स वाइल बोर्डिंग द ट्रेन। मतलब बोर्डिंग द ट्रेन मतलब ट्रेन में चढ़ते समय। ऑल योर बिलोंगिंग्स का मतलब वही है, जो भी आपके सामान है, लगेज या बैगेज जो भी कह लीजिए वही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल योर बिलोंगिंग्स, ऑल योर बिलोंगिंग्स, ठीक है ना, ऑल है ना, इस वजह से। देखिए, कोर्ट सेंड्स समन्स और समन टू द विक्टिम। अब देखिए, ये हमेशा समन्स ही होता, समन जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये बस हिंदी में हम लोगों ने, देसी लोगों ने बना दिया समन समन, वैसे ऐसा कोई वर्ड नहीं, समन्स ही होता है, राइट। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द पेंडिंग एरियर्स टू ऑल द एम्प्लॉयज, एरियर्स, ठीक है। आफ्टर द न्यूज स्प्रेड दैट इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, फायर वर्क स्टार्टेड। क्योंकि यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा, फायर वर्क का ये भी मतलब हो जाता है, फायर वर्क का मतलब यहाँ पे आग, आग वाला कोई सीन नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पटाखे वाला सीन है। फायर वर्क का मतलब कभी कभार हो जाता है कि मतलब जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, है ना, तो उसको भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इट्स अ फायर वर्क गोइंग ऑन, राइट। अब देखिए, कलेक्ट ऑल द एविडेंस या एविडेंसेस अगेंस्ट द कल्प्रिट। एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है ना, चाहे ऑल लगा हो चाहे ना लगा हो, ठीक है, एविडेंस ही होता है। न्यूज़ चैनल्स प्रोवाइड अस द करेक्ट इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस। क्या प्रोवाइड करते हैं? इन्फॉर्मेशन, ना कि इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे न्यूज़ ही लिखा है, न्यूज़ चैनल्स नहीं लिखा, ठीक है ना। बार बार आस्क्ड टू कट द हेयर या हेयर्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टाइल, हेयर, ठीक है। मशीन नीड्स ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट या इक्विपमेंट्स टू रिपेयर, इक्विपमेंट, ठीक है। गो स्टेशनरीज टू परचेज अ पेन, स्टेशनरी, ठीक है। यहाँ पर स्टेशनरी, देखिए स्टेशनरी शॉप की तरह यूज हो गया, तब भी नाउन है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, जैसे आप हेयर है, ठीक है, सिंगुलर है, कुछ छूटा तो नहीं है ना, नहीं, कलेक्ट हो, ठीक। जैसे यहाँ पर एक ये हेयर है,
अब इसे हमें प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? पता है कैसे बनाएंगे? क्या लिखेंगे? स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स ऑफ, क्या लिखेंगे? हेयर, ठीक है, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आप ये लिखेंगे अगर हेयर का प्लूरल बनाना है। कोई एक बाल की बात तब कभी थोड़ी ना करता है, बाल मतलब अब अनकाउंटेबल है ना, लेकिन सिंगुलर की तरह तो यूज़ हो रहा है। अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे, मतलब ऐसे बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लिखेंगे। और ब्रेड का, तो आप ब्रेड में क्या लिखेंगे? ब्रेड का जब प्लूरल बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? एल ओ ए वी ई एस, लोव्स ऑफ, लोव्स ऑफ ब्रेड। अब कभी कदार देखिएगा, ये तो लोव्स ऑफ ब्रेड प्लूरल में बनाना है, तो अगर ब्रेड को प्लूरल फॉर्म में कहना है तो लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। और अगर इसे ही सिंगल मतलब सिंगुलर फॉर्म में बोलना है तो कभी कदार देखिए आपको ये लिखा मिलेगा लोफ, ओ सॉरी एक गलती, लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड, राइट। तो देखिए, एक आपने बचपन में पढ़ा होगा नाइफ, नाइफ, ठीक है, नाइफ का प्लूरल सिंगुलर फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म क्या होता है? नाइव्स, राइट, नाइफ का प्लूरल फॉर्म नाइव्स, क्लियर। और एक और देख लीजिए, स्कार्फ, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म स्कार्व्स, ठीक है, ठीक है, जो आप ठंडी में पहनते हैं। सेंटेंस बना लीजिए स्कार्फ का, चाहे तो स्कार्फ्स का बनाना है तो, या स्कार्फ का जो जो भी बनाना है, मैं आपको प्लूरल का बताता हूँ। देयर आर मैनी स्कार्फ्स हैंगिंग इन द शॉप, ठीक है, शॉप में बहुत सारे स्कार्फ टंगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर दी गई। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, अच्छा हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आप क्या करेंगे पता है, मैंने यहाँ पर जानबूझ करके आंसर्स को पहले हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ एक तरीके से ऑप्शन ही समझ लीजिए इनको हाईलाइट करने के लिए का मेरा मकसद था। और आप इन्हें पहले इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ देर छोड़ देंगे आप इसे, मतलब देखेंगे आप, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद जब आपके पास टाइम हो उसके बाद फिर से आप वीडियो देखेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को मत देखिएगा, मतलब आप ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें इनमें फोकस मत करिएगा, आप डायरेक्ट इस यहाँ पर आइएगा, इन क्वेश्चंस को पहले एक बार अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है, पहले अपने से सॉल्व करिएगा, उसके बाद ये भी क्वेश्चंस और ये भी, इनको भी अपने से सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर आप वीडियो को चलाइएगा और मैच करिएगा कि आप सही हैं या गलत, ठीक, अगर गलत हो या सही हो कुछ भी हो, तब फिर आप इसे पूरी वीडियो को एक बार और देख लेंगे, क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा आपके लिए। तो और वोकेबलरी के लिए मैं क्या करूँगा कि वोकेबलरी की एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है, जैसे एक वीडियो दे दी मैं, उसके बाद फिर 2 या 3 दिन बाद फिर मैं दूसरी वीडियो दे दूँगा, तो उसको समझा भी दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, जिसके चलते आपको क्लोज टेस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिएगा इसमें, ज़रूर ज़रूर से ज़रूर इसे कमेंट करिएगा, मुझे भी जानना है कैसे, अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो भी बताइएगा, वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो भी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, गो ग्रीन, सेव वाटर एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।